हाँ तो वेलकम, तो फिर से स्वागत है मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो में बात करेंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के कुछ अपडेट के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम कल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 3 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में चलेगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं है कि उसका एग्जाम कब लिया जाएगा, जो भी उसका ऑनर्स पेपर है यानी ऑनर्स पेपर या जो भी इसका प्रैक्टिकल विषय है उसका पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसका एग्जाम कॉलेज में कब से लिया जाएगा जहाँ सेंटर पर है। तो देखो, सेंटर वाला एक लिस्ट निकालता है, उसका वहाँ का जो प्रिंसिपल होता है, वहाँ का प्रिंसिपल अपना मतलब नोटिस जारी करता है जिस भी कॉलेज में आपका सेंटर पड़ा है, उस नोटिस के अनुसार ही आपका मतलब एग्जाम लिया जाता है। तो हर फिलहाल के कॉलेज का निकल चुका है, जैसे कि अररिया हुआ और फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज, और मतलब फारबिसगंज का सेंटर ही अररिया कॉलेज अररिया है, मतलब जैसे कि और RYC कॉलेज मनिहारी हुआ। अगर आपका मतलब कोई भी कॉलेज हो आप हमें मतलब व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर दीजिए। जब व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कैसे कीजिएगा, तो व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से हमें मतलब हमें मैसेज कीजिएगा। मतलब वहां का जो एडमिट होगा ग्रुप एडमिट उसको मैसेज कीजिएगा, तो आपको आपका कॉलेज का जो भी रूटिंग आया हो मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम का जो भी रूटिंग होगा, जो भी कॉलेज होगा आपका जहां का सेंटर होगा वहां का अगर रूटिंग आया होगा तो मेरा जो एडमिट है वो आपको ट्रांसफर कर देगा, मतलब आपके पास भेज देगा, वहां से आप रूटिंग देख सकते हैं अगर आपके पास जो भी रूटिंग नहीं आया है। तो इसी तरह से मतलब एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि कॉलेज वाला डिपेंड करता है कब किसका एग्जाम लेगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट का RYC कॉलेज में पढ़ा है तो उसका देखिए ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर का, कोई भी स्टूडेंट हो ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर का, तो उसका देखिए 6 तारीख से एग्जाम लिया जाएगा। एंड देखिए MIC में जिसका ज्योग्राफी है उसका 5 तारीख को होगा, जिसका MJC में हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो उसका कितना तारीख होगा, 7 तारीख को 8 तारीख को एग्जाम लिया जाएगा। यानी आप रूटिंग के अनुसार आप देख लीजिएगा, रूटिंग आपको चाहिए तो हमें मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप में, मैं आपको रूटिंग आपके पास ट्रांसफर कर दूंगा। और रहा बात देखिए दूसरा बात की, जो भी स्टूडेंट इस बार मतलब तो इस बार नहीं मतलब 22 और 25 सेशन में जो एडमिशन लिए हो और वह पार्ट टू में एडमिशन करवा लिए हो तो उसको देखिए पूर्णिया का जितने भी स्टूडेंट हो तो उसके लिए नोटिस जाएगी, उसे ऑनलाइन क्लास करवाया जाएगा, यानी उसका भी क्लास चलेगा। अगर आप 75% अटेंडेंस नहीं बनाते हो तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, फिर से आपको नामकरण करना पड़ेगा, नाम फिर से लिखवाना पड़ेगा। इसीलिए आप अपना ऑनलाइन क्लास शुरू होगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी, क्योंकि पूर्णिया यूनिवर्सिटी और से नोटिस जारी किया, इसी तरह से सब कॉलेज में भी नोटिस जारी करेगा। क्योंकि देखिए अभी देखिए क्लास तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए हर कॉलेज में भी एग्जाम चल रहा है, इंटर का एग्जाम चलने के बाद वो 10 का एग्जाम चलेगा, यानी इंटर और 10 का एग्जाम चलेगा, इंटरमीडिएट का एग्जाम चल रहा है, इसी वजह से क्लास नहीं हो रहा। जब इंटर और 10 का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको ऑफलाइन जाके आपको कॉलेज में जाकर क्लास करना पड़ेगा, अगर क्लास नहीं करते हो आपका नाम काट दिया जाएगा कोई भी सेशन में हो। अभी जैसे कि 22 25 सेशन में या तो कोई भी सेशन में हो आपको क्लास करना पड़ेगा। अगर क्लास नहीं करते हो आप PG भी क्यों नहीं कर रहे हो, आपको क्लास करना ही पड़ेगा, अगर क्लास नहीं करते हो तो आपका नामांकन रद्द कर देगा। यह छोटा सा अपडेट देने के लिए मैं अपना चैनल पर इस वीडियो को डाला हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए चैनल को, थोड़ा जल्दी से चैनल पर 1000 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। आप थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो, अगर कोई डाउट और डाउट हो आपको तो हमें कमेंट कर सकते हैं या तो हमें व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।